दो सगे भाइयों का सपना सेना में भर्ती होकर देश सेवा का था। जोश और जुनून ऐसा कि दिन रात सेना में जाने की तैयारियां करते थे। दोनों सगे भाई अग्निवीर भर्ती में शामिल हुए। दौड़ लगाने के बाद तबीयत बिगड़ी और मौत हो गई। डॉक्टर और परिजन भी इस तरह मौत को लेकर हैरान हैं। पिछले दिनों भोपाल में हुई अग्निवीर भर्ती रैली में शामिल होने आए बैतूल के दियामहू गांव के रुपेंद्र और उसके छोटे भाई अंकित की मौत हो गई। दोनों भाइयों की भर्ती रैली में दौड़ लगाने के दौरान तबीयत बिगड़ी थी। अस्पताल में दोनों ने एक के बाद एक दम तोड़ दिया। एक साथ दो बेटों को खोने वाले पिता प्रयागनाथ पेशे से किसान हैं। अब घर में एक बेटी मोनिका ही है। रुपेंद्र ने 2020 में ही 12वीं की पढ़ाई पूरी की थी। इसके बाद सेना में भर्ती के लिए आर्मी की कोचिंग शुरू कर दी थी। 2 साल से वह लगातार सेना में जाने के लिए तैयारियों में दिन रात जुटा रहा। छोटा भाई भी उसके साथ तैयारी कर रहा था। रुपेंद्र में सेना ज्वाइन करने का ऐसा जज्बा था कि तड़के 3 बजे से रनिंग और दूसरी एक्टिविटी के लिए उठ जाता था। अक्टूबर महीने में भोपाल में अग्निवीर भर्ती रैली हुई। रुपेंद्र इसमें शामिल होने पहुंचा। 29 अक्टूबर को उसे शारीरिक परीक्षण और दौड़ प्रतियोगिता में शामिल होना था। 29 अक्टूबर को वह दौड़ में शामिल भी हुआ, लेकिन दौड़ के बाद उसकी हालत बिगड़ गई। दौड़ लगाने के बाद वह बेहोश होकर गिर गया। उसे पहले भोपाल के अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसके बाद परिजन उसे बैतूल लेकर आ गए। यहां उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के 5 दिन बाद 4 नवम्बर को उसने दम तोड़ दिया। बड़े भाई रुपेंद्र की तरह अंकित का सपना भी सेना में जाकर देश सेवा का था। वह ITI सेकेंड ईयर का छात्र था। कॉलेज में उसने NCC कैंप ज्वाइन किया था। साथ ही वह घर पर भी प्रैक्टिस करते रहता था। बड़े भाई की मौत से एक दिन पहले 3 नवंबर को वह भी सेना में भर्ती के लिए भोपाल रैली में पहुंचा था। भर्ती के दौरान दौड़ लगाते समय उसकी भी वैसी ही तबीयत बिगड़ी जैसे बड़े भाई रुपेंद्र की बिगड़ी थी। परिजन उसे भी लेकर बैतूल पहुंचे, जहां से उसे नागपुर के एक निजी अस्पताल में रेफर कर दिया गया। नागपुर के एक निजी अस्पताल में 4 दिन तक जिंदगी और मौत से संघर्ष करते हुए आखिर अंकित ने भी दम तोड़ दिया। दोनों भाइयों की एक जैसी ही परिस्थितियों में हुई मौत घर वालों के लिए पहेली बनी हुई है। वह समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आखिर दोनों भाइयों की एक जैसे हालातों में कैसे मौत हुई है। दोनों युवक की मौत के बाद अब इकलौती बहन मोनिका ही घर में बची है। मोनिका जॉब के सिलसिले में हैदराबाद गई हुई थी। उसे जैसे ही भाइयों की मौत का पता हुआ, वह बैतूल लौट आई। मोनिका ने बताया कि उसके दोनों भाई सेना में जाने के लिए बेहद ललायित रहते थे। यही वजह है कि वे दोनों दिन रात सेना भर्ती के लिए मेहनत किया करते थे। उसमें सेना के लिए बेहद जोश और जुनून मौजूद था। केंद्र सरकार ने 14 जून को सेना की तीनों शाखाओं थल सेना, नौसेना और वायुसेना में युवाओं की भर्ती के लिए अग्निवीर भर्ती योजना शुरू की थी। स्कीम का उद्देश्य सेना की औसत उम्र को कम करना है। इसमें ज्यादा से ज्यादा युवाओं को शामिल करना है। स्कीम के लिए पात्र होने की आयु सीमा 17.5 साल से 21 साल है। 10वीं और 12वीं पास युवा अप्लाई कर सकते हैं। स्कीम के तहत नौजवानों को सिर्फ 4 साल के लिए डिफेंस फोर्स में सेवा देनी होगी। इतने सुंदर सुंदर गहने हैं लाए, दुल्हन के रूप में 4 चांद लगाए। रिश्ते को और गहरा बनाए, समदड़िया आभूषण का जादू है छाए। समदड़िया